गेम के अंदर आने वाला है एक नया कैरेक्टर जो कि आपको कभी किल ही नहीं होने देगा, और आने वाले अपडेट के बाद गेम के अंदर ग्लू वॉल्स नहीं मिलेगी आपको। और डीजे आलोक बन चुका है अवेकंड आलोक, जो कि एक अद्भुत शक्ति के साथ आया है। लेकिन क्या होगी इसकी शक्तियाँ, चलिए देखते हैं एडवांस सर्वर के अंदर जो कि हमें अभी अभी मिला एंड हमारे मेल बॉक्स के अंदर आप जैसा कि देख सकते हो ओके 20 कस्टम रूम कार्ड, ये वाला इमोट एंड इतने सारे इमोट्स मिले हमें, बहुत ही अच्छी बात। और भैया क्या बात है, और एक्सपीरियंस मिला 15,000 जिससे कि हमारा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस है, और ये जितने भी चेंजेस है ये सब आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस अपडेट के अंदर क्या क्या आने वाला है आज हम देखेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ये पूरा स्क्रीन जो है इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है। हमारा जो वॉल्ट वाला सेक्शन है वो आ चुका है नीचे, वेपन कैरेक्टर लैब सब कुछ नीचे आ चुका है। ऊपर आपको सिर्फ बिजनेस दिखेगा, जो भी आप चीजें खरीद सकते हो, जैसे स्टोर से आप डायमंड देख के जो चीजें खरीद पाओगे, ये जो स्टोर दिख रहा है ना एक एक डायमंड का, ये मत सोचना कि ये भी अपडेट के बाद आएगा, ना ना, ये सब सिर्फ ऐसे ही दे देते ये लोग एडवांस सर्वर के अंदर, बट ये अपडेट के बाद नहीं आने वाला। लेकिन क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। लेवल अप हो चुका है हमारे यहाँ पे, 16 लेवल का हो चुका हूँ मैं। ओके, इतने सारे इमोट जब आपको एक साथ मिल जाए कैसा लगेगा आपको बताओ। एडवांस सर्वर, वाओ यार, ये धरती जो है ना ये एकदम सपनों के जैसी होती है। इसमें आपको डायमंड्स भी करोड़ों की मात्रा में दिखता है। देखो कि अभी डायमंड देखो, ये देखो डायमंड, 1000 डायमंड मैंने ऐसे क्लेम कर लिया, इधर भाई 1500 ऐसे क्लेम कर लिया, और देखोगे नहीं खत्म थोड़ी होता है, इधर डायमंड भंडारा लगता है इधर डायमंड का। दोस्तों गेम के अंदर एक कैरेक्टर भी आने वाला है जो कि अमर है भाई, वो मर नहीं सकता। जी हाँ, आपको कोई नहीं मार सकता। नहीं मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, कसम से। क्या बात कर रहे हो, उसका नाम भी बहुत खतरनाक है, सोनिया। जी हाँ, कहाँ है कहाँ, ये देखो क्या बात है सर। ओके, एक डायमंड में परचेज कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम चला के देखेंगे। इसका जो एबिलिटी है वो आफ्टर टेकिंग फायदा है, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हम, आपको क्लियर बताएंगे। जब आपको कोई डाउन करेगा ना, आपका पूरा हेल्थ खत्म कर देगा, तो भी आप मरोगे नहीं, 5 सेकंड के लिए जिंदा रहोगे। ओह नहीं, 6 सेकंड के लिए जिंदा रहोगे, और आपने अगर उस 6 सेकंड के अंदर एनिमी को डाउन कर दिया तो आप फिर से जीवित हो जाओगे, वो भी 150 HP के साथ। और साथ ही साथ ये पैसिव स्किल है, मतलब इसके साथ आप आलोक क्रोनो कोई भी एक्टिव स्किल यूज कर सकते हो, तो ये स्किल आपका जगह भी नहीं लेता। इसके साथ आप अच्छा कैरेक्टर भी यूज कर पाओगे, और साथ ही साथ इसको यूज करके आप अमर, मतलब आपको कोई मार ही नहीं सकता, सतामा की शक्तियां आ जाएगी आपके अंदर। लेकिन इसका कूलडाउन टाइम 150 सेकंड। और इसी के साथ आया है नया कैरेक्टर एक और, आलोक भैया अपग्रेड होके आ गए हैं। डीजे आलोक तो पहले थे, अब अवेकंड आलोक बन चुके हैं ये। जब भी आप इसके स्किल को यूज करोगे, मतलब अगर आपके पास अवेकंड आलोक है, आप इसके कैरेक्टर के स्किल को यूज कर रहे हो, तो ये चलते चलते हर 2 सेकंड में 2 मीटर के रेंज में एक म्यूजिक ड्रॉप करेगा। वो हम देखते हैं गेम के अंदर कैसा म्यूजिक होगा। और अगर आपके टीममेट्स उसके पास जाते हैं या फिर उसको लेते हैं, कुछ आई थिंक उठाने का होगा, अगर उसको उठाते हैं तो वो भी हील होंगे। यार देखते हैं यार, बहुत मजा आने वाला है। दोनों कैरेक्टर को एक साथ पकड़ते हैं और दोनों को लेके चलते हैं गेम के अंदर। ओके गाइस, यहाँ पे हमने सब कुछ उठा लिया। हाँ, गेम के अंदर एक नया पेट भी तो आया है। जी हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भैया, देखा कहीं लग रहा है, कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इसको कहीं तो देखा है। जल्दी से करते परचेज, एक डायमंड का यहाँ तो मिल रहा है, पर जब गेम में आएगा ना तो ये थोड़ा महंगा भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाए। आई डोंट नो, गेम में आएगा तभी देख लेंगे। लेकिन इसको करते इक्यूब। ओके, इक्यूब कर लिया हमने, कैरेक्टर्स भी लग गए हैं, पेट भी लगा का है ने भाई, पेट तो है मेरे साथ, इसका स्किल क्यों काम नहीं कर रहा। चलो इसका स्किल देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। इसका जो स्किल है वो है डज नॉट कम विद, है ये किसी स्किल के साथ नहीं आया, यही इसका स्किल है। चलो इसको हमने मैक्स कर लिया, जल्दी से गेम को करते हैं स्टार्ट। और भी बहुत सारी चीजें आई है, एंड एक और चीज, यहाँ पे जो आपको डुओ एक्टिव स्किल दिख रहा है ना, ये एक मोड है जिसके अंदर आप दो एक्टिव स्किल्स को यूज कर सकते हो, मतलब आलोक के साथ आप क्रोनो यूज कर सकते हो। जी हाँ, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे करके। रुको मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर सिटी के अंदर, ये 2 नंबर, यह है पहला नंबर, यहाँ पे आप आलोक यूज करना, यहाँ पे आप क्रोनो भी यूज करना एक साथ, बहुत मजा आएगा। बट ये तब काम करेगा जब आप गोल्ड से ऊपर होगे सीएस रैंक के अंदर, तब काम करेगा। तो अभी हम गोल्ड तो दूर की बात, हम ब्रोंज पे भी नहीं है अच्छे से, तो करते हैं पहले गेम को स्टार्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखानी है आपको। चलो भाई, ले भैया होम फो, बीआर रैंक स्टार्ट हो गया, सीएस नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों। ओके लॉबी, भैया लॉबी देख रहे हो का भयंकर, ये देखो ये जो चीज आपको दिख, अरे इतना जल्दी स्टार्ट हो रहा है भाई, 30-40 सेकंड नहीं ले रही है। अरे छाता लेके उतर रहा है भाई, व्हाट द हेक, बहुत मस्त सीन है यार ये।
मस्त लग रहा है पता है ये पेट। गलत जगह में उतर गया यार मैं। कोई बात नहीं गाइस, जल्दी जल्दी से लूट करते हैं एंड देखते हैं अपनी शक्तियों को और क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है। जी हाँ, एक और चेंज है इसके अंदर। आप जैसा कि बेग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिवाइस में देख सकते हो ग्लू मेकर है हमारे पास, जो कि चार ग्लू वेल हमें बना के देगा। लेकिन हमें ऐसे पड़े हुए जो ग्लू वेल मिल जाता है, जैसे हमें एक्समेट मिला उसी प्रकार ग्लू वॉल हमें गिरा हुआ मिलता है। बट अब मिलता था, बट अब जब अपडेट आएगा गेम के अंदर, उसके बाद OB40 अपडेट के बाद आपको गेम के अंदर ऐसे पड़ा हुआ ग्लू वॉल नहीं दिखेगा। मतलब अभी गेम में आपको दिख रहा होगा, बट अपडेट के बाद आपको गेम के अंदर ग्लू वॉल नहीं दिखेगा यार, पड़ा हुआ। दी एंड हो गया। लेकिन आपको स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप ऊपर से हवा से लैंड कर रहे हो, आपको ग्लू मेकर मिल जाएगा और आप ग्लू वॉल इजिली बना सकते हो। इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो चिप विप लगा के, एंड ये चार ग्लू वॉल देगा ना, उसके जगह ये 7-8 ग्लू वॉल भी देगा। चलो इसको अपग्रेड करके देखते हैं क्या होता है। बहुत मजा आएगा भैया। 30 बंदे हैं, बंदे नहीं दिख रहे। ग्लू वॉल का दी एंड हो गया भाई, हटा दिया। जो हम 30-30, 40-40 ग्लू वॉल लेके घूमते थे ना, अब वो कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास लिमिटेड ग्लू वॉल्स होंगे, 7 या 8, समझ रहे हो। दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, और वो भी हमें ऐसे, मतलब अचानक से जो 3-4 ग्लू वॉल एक साथ मिल जाते थे ऐसे नहीं मिलेगा। हमें बहुत बहुत कष्ट करना पड़ेगा, बहुत इंतजार सब्र करना पड़ेगा। एक एक ग्लू वॉल देख रहे हो, 3 साल में बना रहा है ये। देखो ग्लू चिप, इसको आप लोगे 5-6 लेवल का कर सकते हो ग्लू वॉल मेकर को। तो इसको लेने के लिए 500 कॉइन, भाई इतना पैसा कहाँ है। ग्लू वॉल के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकते यार, समझा करो। तुम लोग चीजों को सस्ता किया करो, इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते भाई हम। कौन है रे, बोला ना कुछ काम कर रहा हूँ भाई। इतना खतरनाक हेड लग रहा है ना, मजा आ रहा है खेल के। बस हेड लग जाए, बोटो को ही मारू बट हेड लग जाए बस। कहाँ थे हम, कस्टम एचडी में थे हम, ग्लू वॉल सेट कर रहे थे। अच्छा 5 बनाएगा। देखो ग्लू वॉल मेकर हमारा एक लेवल इंक्रीज हो चुका है, लेवल 2 का हो चुका है। कैसे हुआ, कब हुआ मुझे नहीं पता, शायद एनिमी को किल करने पे हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता भाई, मेरे पास तो चिप भी नहीं था। आप लोग बताओ, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो। अरे रुक जाओ भाई, मार लो मेरे को, मुझे कैरेक्टर देखना है। मार लो भाई प्लीज, हमार मार 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 ना दीदी, मार भैया बोल रहा था मैं दीदी को। अरे दीदी भाग कहाँ रही है, मार 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 ना, मुझे अश्वत्थामा की शक्तियाँ चेक करनी है, मार जल्दी खत्म कर। ऊपर बहुत भयंकर फाइट चल रहा, उधर जाऊँ क्या कि दीदी मारेगी 3-4 साल के अंदर। दीदी कुछ करो, दीदी ऐसा मत करो दीदी। ये बात, ये देखो गाइस, इसकी बात कर रहा था मैं मरते मरते, मतलब मैं मर ही गया था और फिर मैं वो हो गया। अबे एक बार ही होता है क्या कैरेक्टर का यूज? नहीं यार मैं भूल गया था, कूल डाउन टाइम 150 सेकंड है, 150 सेकंड या मिनट, 150 सेकंड है। ठीक है भाई, ओके भाई। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैच मेकिंग कर सकते हैं, प्ले अगेन, हमें वापस वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। ओके, ये भी एक बढ़िया सिस्टम है, नाइस। लॉबी अगर आप क्लिक करोगे तो आप लॉबी में पहुंच जाओगे। दोबारा से हमने गेम स्टार्ट किया। ये देखो ऊपर आपको ये जो क्यूब ऐसा कुछ दिख रहा है ना ऊपर, बहुत खतरनाक सा एक चीज, एक एरिया, वो होगा कुछ ऐसा कि अगर आप इस गेम के अंदर मरते हो तो फिर आप उसमें जाके कुछ मिशन कंप्लीट करके अपने आप को रिवाइव कर पाओगे। भाई क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अब देखो डीजे आलोक को हम ऐसे यूज करेंगे, ए ए ए कर दिया। देखो डीजे आलोक अपना वो भी कर रहा है, और ये देखो म्यूजिक गिराया। अगर इस म्यूजिक पे कोई हमारा टीममेट जाता है तो वो भी हील हो पाएगा, इजीली वो भी हील हो पाएगा। जी हाँ, अब मेरे पास कोई टीममेट नहीं है तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, बट हाँ यही होने वाला है। उस पे जो भी एनिमी उसको पकड़ेगा या फिर उसके पास जाएगा वो हील होता रहेगा 5 सेकेंड तक HP करके, मतलब सेम HP करके, मुझे जितने मिलेंगे उसको भी उतने ही मिलेंगे। तो बस आलोक भी हमने टेस्ट कर लिया, अब एक एनिमी मिलने तो इस कैरेक्टर को टेस्ट करके फिर वीडियो को करते खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली होंगी जो कि गेम के अंदर आने वाली है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, आजकल आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो। वीडियो पे जितने व्यूज़ आ रहे ना उससे लाइक की संख्या जो मैं देख रहा हूँ वो पता नहीं क्यों लाइक दबाने में क्या दिक्कत होती है। बस कुछ नहीं करना, एक क्लिक ही तो करना है, हाथों का सही इस्तेमाल करो ना, उंगलियों का, गलत जगह पे क्यों लेके जाते हो। मतलब वो नहीं कह रहा मैं, मतलब लाइक कर दो यार प्लीज। ओके, यहाँ पे एक एनिमी ने मेरे को डैमेज दिया अचानक से, और भाई देखो अब हमने मारा नहीं तो हम मर गए, एंड फिर यहाँ पे रिवाइव होने के लिए आ गए। अगर हम यहाँ पे कुछ मिशन कंप्लीट करते हैं तो हम इसको, तो हम अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। मतलब ये ग्रीन ग्रीन वाला ऊपर जो दिख रहा है उसको हमें फुल करना है।
ओके, इन सबको मार के हम ज्यादा वो ले सकते हैं। जल्दी हो भाई, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। अरे अरे अरे, ओके फाइनली देखो ऊपर हो गया बुया और हम अब फिर से रिवाइव होने के लिए तैयार हो गए। यार क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है गेम के अंदर। तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड मैंने आउटरो पहले ही दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई क्या हो रही है, हबे में मत मार देना प्लीज़ प्लीज़ नहीं। भाई, 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 भाई।